चलो आशीष चंचलानी भी छोड़ देते हैं, ठीक है। राउंड 12, राउंड 12 तो बहुत फनी वीडियोस बनाते हैं, मतलब एक एक जोक लैंड होता है उनका, कितने बढ़िया फ्रेश और यूनिक कंसेप्ट होते हैं उनके, कितनी फनी बातें करते हैं, बताइए वो देखते हैं आप? फनी लगती है उनकी बातें, हाँ सर लगती फनी है, लगती है। बिल्कुल लगती एक है। फनी बात मैं सुनाऊं, हाँ सुनाइए। आ गया। हाँ बताइए तेरी माँ का भोसड़ा, सर, ये क्या बोल रहे हैं आप, ये तेरी क्या माँ की चूत, सर, माइंड योर तेरी लैंग्वेज बहन की जूत, सर, एक बहन के लोड़े दल्ले मादर सर चोद, माँ का सर सर भोसड़ा देखिए तेरी कैमरा लगा हुआ, दल्ले दलाल डायरेक्टर मादर चोद, सर बहन की सर चूत चुप तेरी। पचड़ी चुप, ठीक सर आगे आगे बढ़ेंगे। फनी नहीं लगी, नहीं लगी इस बार फनी। हाँ एक और सुनाऊं, माँ और बहन साथ में उसमें। ठीक है छोड़िए छोड़िए, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, देश की लड़कियां कितना अच्छा कंटेंट बना रही है, तो इसके सर आप हंस रहे हैं सही कह रहा तू, देश की लड़कियां बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं। क्या है वो? हाँ कच्चा बादाम है सर तो पक्का बादाम, कैसे? सर कच्चा बादाम कर मेरे साथ, कच्चा बादाम सर है तो देखिए बैठ जाइए बैठ पक्का जाइए बादाम, बैठ जाइए बैठ जाइए, मुंह में ले फन लो मेरा बादाम, कच्चा सर, बादाम सर है आपकी तो गांड लो प्लीज, पक्का सर बादाम, आपकी गांड लग रही मेरे मुंह कच्चा पे सर, बादाम है तो सर प्लीज पक्का हट, बादाम। बैठ बैठिए, क्या बदतमीजी है ये, अच्छा नहीं लगा कंटेंट? हाँ अच्छा नहीं था कंटेंट, एक एक दो एग्जाम्पल को साइड रख दे तो क्यों साइड और रख भी, दें? क्यों साइड, और एक दो को क्यों साइड रख दें? सारा ऐसा है, सारा ऐसा है, खोल आपके के देख ले इंस्टाग्राम, सब यही है। हम बहन जो बना बना के मर गए, इंस्टाग्राम रील 100 कैसे ऊपर आ नहीं रहे हैं, कर दो थोड़ा सा, कच्चा बादाम है तो पक्का, 2 मिलियन। क्या हो गया? वुमेन एम्पावरमेंट एंजॉय नहीं किया? मैं ऐसा कंटेंट नहीं देखता हूं देखे मैंने तेरे लाइक ऐसे कंटेंट पे, गौरव नाम, गौरव एट द रेट प्ले बॉय। हाँ गलती से, बाकी देखिए ना बाकी कितने अच्छे कंटेंट बना रही हैं लड़कियां हमारे देश की, लाइक 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 मोस्टली सेन, मोस्टली सेन प्राजक्ता कोहली इंडिया की सबसे बड़ी फीमेल यूट्यूबर है, इनफैक्ट एशिया की। सॉरी यार पर मैं ये कुकिंग चैनल वगैरह अरे नहीं, कुकिंग क्या चैनल नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हैं, है फिर? कॉमेडी और एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आते ये फनी बात ये थी, ये जोक लैंड हुआ तेरा। सर, ये फनी बात नहीं है, ये सीरियस बात है। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट नो हर, आई हैव नेवर सीन हर, कोहली में मैं बस विराट कोहली हूँ। व्यूज तो आते नहीं इसके, लंदन यूरोप ये घूम कैसे रही है, पैसा कहां से आ रहा है? जी धर्मा की फिल्म मिल गई, कपिल शर्मा शो में आ गई, चल क्या रहा है? शे फक फक एक बात ये काट देना, ये एडिट पे, हाँ 2 मिनट ब्रेक है। एक बात बता, ये इंस्टाग्राम पे अगर गलती से किसी की फोटो लाइक हो जाए तेरे से और फिर तू अनलाइक कर दे, तो ऐसा हो सकता है कि उसे पता लग जाए? मुझे नहीं पता सर, गौरव बदतमीजी कर रहा है ये। बदतमीजी मैं कर रहा हूं, बदतमीजी मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं बदतमीजी, चलते शो में मुंह पे गांड रगड़ दिया आपने मेरे। गौरव अब तुम तो अभी चुप रहो, जब से आया अनाप शनाप बोले जा रहा है यार, भुवन बाम का कंटेंट खराब है, आशीष चंचलानी 13 साल के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा है, राउंड 12 गाली दे दे के फेमस हुए हैं, फैक्ट्स हैं। खुद की वीडियो देखी है तूने कभी? तू हाँ तू, इज कॉलिंग मी तू, अबे हाँ तू, कभी क्रश कभी गर्लफ्रेंड कभी एक्स कभी सेक्स कभी लौड़ा कभी लहसुन, पर्सनल हो रहा अभी। गौरव क्या करो बे, डायरेक्टर और डायरेक्टर की तरह रहो, वरना लौड़ा फेंक के मारेंगे पूरा खानदान चुट जाएगा तुम्हारा, और तू भोसड़ी के एक बार बिना लड़की के वीडियो बना के देख, तब तुझे तेरी औकात समझ में आएगी, और इसी बहाने तू लड़कियों की इज्जत करना सीखेगा, बेटी चोद बहन के लंड। और तुझे क्या लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है तू ये जून की दोपहर की गर्मी में ये पफर जैकेट पहन के, भोसड़ी के एक नंबर का चमन चूतिया चिलगांडर लग रहा है, समझ में आया? बता पूछवाऊं कैसा लग रहा है भाई ये, नौकरी चली जाएगी भाई यार। चूतिया लग
सॉरी भाई सॉरी। मदरचोद झाट बराबर लोग मदरचोद बताओ मैं तुझे बताओ दो दो कोड़ी के इंटरव्यूअर साले लिमिट क्या है चूप तू ये क्यों लेके खड़ा है मार नहीं से अबे जमानत मैं करवाऊंगा तेरी मार साले को इस गांडू को मारो मैं डबल पैसे दूंगा इधर दे इधर दे दो गोली क्यों नहीं है इसमें गोली क्यों नहीं है इधर दे साले गई हाथी की बुंड में बीच में होस्ट के मुंह पे थूका दिल्ली के सवारे यूट्यूबर ने यूट्यूब पे 2-4 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद खुद को राष्ट्रपति से बड़ा समझते हैं ये यूट्यूबर्स कि यही हमारे देश की संस्कृति ऐसे बढ़ेगा हमारा यूथ और फिर से देखिए दिल्ली का ये भाई भाई कैसा रहा इंटरव्यू अबे क्या सीन है क्या हुआ इंटरव्यू में इंटरव्यू की बातें मत करो इंटरव्यू में तो भाई बहुत बेइज्जती हो गई ये भगवान कहीं ये फांसी तो नहीं खा लेंगे ना फांसी तो किसी और को लगानी चाहिए वैसे क्या मतलब कहां जा रहा है क्या लिखा है यहां पे कितनी बार बोला है प्राइवेट एरिया है मेरा कोई नहीं आएगा यहां पे मेरे अलावा सॉरी भाई वो जल्दीबाजी में क्या जल्दीबाजी कोई ना दिख जाए मुझे ऊपर जाता हुआ okay. मेरा एरिया है प्राइवेट एरिया सॉरी भाई ऐसा क्या है ऊपर कभी आने नहीं देते सर पैकअप हो गया क्या नहीं भोसड़ी के तुम्हारी अम्मा का ब्याह हो गया है अबे दिख नहीं रहा सब सामान उखड़ रहा है क्या हो रहा है हाँ भोसड़ी के चूतिया हो क्या हैं भाग यार भाग गजब सुधबैलर लोग हैं यार यार गौरव यार एक बात समझ में नहीं आई ये इतना इगोस्टिक और इतना चूतिया बंदा है ऐसा कंटेंट बना कैसे सकता है एक तो भोसड़ी के तुम चुप हो जाओ समझे उस दगड़ बल्ले की बात ना कर देना हमारे सामने और फिर से देखिए दिल्ली का ये हमारे यूट्यूबर कम मरते ना नाभी में भोसड़ी का सुरसुरी छोड़ देता शरीर से यार मजाक मजाक से हटके ये ऐसा कंटेंट बना कैसे सकता है हाँ यार मुझे साइको सिग्नल बना दी इसने तेरा बॉडी डबल था उसमें ट्रायल ऑफ मर्डर में तुम्हारा भी है और आज तो इसने इंटरव्यू में बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी और हमारे मासूम इंटरव्यूअर के साथ हाथापाई भी कर दिया हराम खोर क्या बोल के आया तू इंटरव्यू में जो सच है साले कमीने तेरी वजह से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई मैंने इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाया और कोई क्रिएटर अब मेरे साथ कोलैब नहीं करेगा क्या करूंगा मैं हमारी गांड में इतना गूदा है कि हमें किसी कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है तेरी तो मैं बहुत हो गया मैं अब ये धूम थ्री वाली जिंदगी और नहीं जी सकता मैं अभी बाहर जाके सबसे पहले पूरी टीम को तेरी असलियत बताऊंगा उसके बाद इंस्टाग्राम पे लाइव जाके पूरी दुनिया को तेरी असलियत बताऊंगा तूने मेरा जीना हराम कर रखा है अगर एक भी कदम इस कमरे के बाहर रखा ना तो अपने न्यूड्स पब्लिक करके तुझे वायरल कर दूंगा और तुझे पता है मेरा स्वैगर फिर दुनिया को समझाता फिर यो कौन स्वैगर शर्मा है कौन शिवम शर्मा है चुपचाप वापस आके बैठ धूम थ्री की जिंदगी खत्म करेंगे ये राज ही रहेगा हमेशा दुनिया नहीं मैं सोची पाती सोनू लिखता बल्कि तो मैं पूरी इंडस्ट्री हिलाती कल्ली कल्ली वीडियो ट्रेंड में कराती आई होप आपको हमारा ये नया कंटेंट पसंद आया हो और पसंद आया है तो आपको पता है लास्ट वीडियो में कहा था नहीं बोलेंगे तो नहीं बोल रहे पर वीडियो पे येलो डॉलर आ
चुका होगा अभी तक तो देख लेना, एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रीच पूरी रुक जाएगी, जैसे बीएफ की जीएफ की रुकी थी, तो मर दिया तुम्हारी, कुछ करना हो तो कर देना। ऑल्सो गाइस, ये वीडियो हमने फन मस्ती मजाक के लिए बनाई है, फिर भी अगर किसी को बुरा लगाओ तो मैं दिल से सिर्फ यही कहूंगा, हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि हमें जाट फर्क नहीं पड़ता।